माटी को नमन वीरों का वंदन उन्वान के तहत आज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस पापुर में मुल्क पर जान निछावर करने वाले वीरों की याद में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के लिए जान निछावर करने वालों के अहल खाना को मधु करके उनकी इज्जत अफजाई की गई। इस मौके पर ADC अवंतीपुरा जफर हुसैन शाल, तहसीलदार पापुर जुबैर अहमद भट्ट, BDO पापुर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, BDC चेयरमैन मोहम्मद अल्ताफ मीर के अलावा महकमा जात से आए हुए कई मुलाजमीन भी मौजूद रहे। मेरी माटी मेरा देश, माटी को नमन वीरों को वंदन। आज हम ब्लॉक पापुर के हेडक्वार्टर पे हैं, जहां हमारे वीरों के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी फेलिसिटेशन के लिए मैं बिला ताकी दावत दूंगा ताहिरा बेगम। गुलाम नबी खान है उनकी यहाँ पे जो मस्जिद मोहम्मद मकबूल मेहर साहब की, उनका बेटा आया फैसल अहमद, उनके लिए सब कुछ कॉनिबल आ जाए। मैं सभी सेक्टोरल ऑफिसर्स से दोबारा वंस अगेन मैं अपने ADC से तो सब लोगों का शुक्रिया अदा कर माटी को नमन। आज का जो प्रोग्राम था ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत माटी को नमन और वीरों को वंदन, इस प्रोग्राम के तहत आज हम उन सभी शहीदों को याद कर रहे थे और उनकी फैमिलीज़ को हमने यहाँ पे बुलाया था। नंबर एक, आपने खुद देखा कि उनकी फैमिलीज यहाँ काफ़ी आ चुकी थी और एडली भी थे और कुछ उनके नेक्स्ट ऑफ द किंग्स भी थे, वो भी सब थे यहाँ पे। तो एक जोश और बलबले के साथ हमने उन सभी को रिस्पेक्ट दिया, अपना खराज अकीदत पेश किया उन सारे शहीदों को, दोज हु हैव पास्ड अवे एंड जिन्होंने अपनी जाने निछावर करके अपने देश को हमेशा और अपने फ़र्ज और अपनी ड्यूटी को हमेशा आगे समझा। हम हमेशा हर वक्त उन सभी को रिस्पेक्ट देंगे और इन फैमिलीज़ का केयर करेंगे और इनको जो उन्होंने एक जाने कीमती जाने अपनी इस देश के लिए दी हैं उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखिए कि जो आज यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो ऑर्डर जारी किया गया था कि 9 तारीख से 15 तारीख तक आप लोग मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम जो इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है, जो यहाँ के मार्टियर्स हैं जम्मू कश्मीर के जिन्होंने अपनी जान जो है निछावर कर दी है कौम के लिए, कौम की हिफाजत के लिए, उनकी फैमिलीज़ को आज यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको नवाजना था, उनको अवार्ड मिलना था, क्योंकि उनके वारिस जो है उन्होंने शहादत दी है इस जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए। इसलिए इस दिन को आज से कंटिन्यूसली मनाया जाएगा ताकि जितने भी यहाँ कौम के लिए शहीद हुए उन सबको याद किया जाए।